क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टायर जो है वो पूरा वर्न आउट है, और उसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ है ना, जो टर्म यूज होती है टायर वालों के बीच में वो होता है टायर के ऊपर रीट्रेडिंग हुआ है, या टायर को रीग्रू किया है, या टायर के बटन को कट किया है, या कट बटन टायर्स है, ऐसे काफ़ी महाराष्ट्र में जो यूज होती है टायर पे नक्शी मारी हुई है। सो मैप बनाया है बेसिकली, सो जैसा जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन वो टकले टायर के ऊपर वो बनाते हैं। और दोस्तों इमेजिन कीजिए, वो रबर को निकाल रहे हैं जहाँ पे प्लाई कॉर्ड होते हैं उसको टच कर रहे हैं वो लोग, और स्टील कॉर्ड्स होते हैं उसको भी टच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टील कॉर्ड जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर में, और स्टील कॉर्ड एक्सपोज होने से वो रस्टिंग उसको पकड़ना चालू करते हैं, और रस्टिंग पकड़ने के बाद में वो टायर आपका कभी भी बर्स्ट हो सकता है। सो इमेजिन करो दोस्तों, आपने ये सेकेंड हैंड टायर खरीदा, आपको नॉलेज नहीं है सेकेंड हैंड टायर की, और आप सेकेंड हैंड टायर आपके गाड़ी में लगा के चल रहे हैं। जैसे आप छोटे बच्चे के हाथ में एक बंदूक दे देते हो ओरिजिनल बंदूक, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो सोचता है कि ये मेरे लिए खिलौना है, वो किसको भी गोली मार सकता है। सो वैसे ही दोस्तों वही सिचुएशन यहां पे हो रही है। आप अगर सेकंड हैंड टायर आपके गाड़ी में डाल रहे हो और वो टायर आपको पता नहीं है वो सही में अच्छा टायर है या रोडवर्दी है, उसके क्या सेफ्टी फीचर्स है, और आप गाड़ी चला रहे हो स्पीड पे चला रहे हो, अगर वो टायर फटता है आपकी गाड़ी किसके भी ऊपर जा सकती है, आपके भी जान माल के नुकसान हो सकती है, दूसरे के भी जान माल के नुकसान हो सकती है, और किसी की जान भी जा सकती है। सो इमेजिन करो, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे रीग्रूविंग चल रहा है जिसे नक्शी कहते हैं, और काफी लोग इसके ग्रू कट टायर कहते हैं, काफी लोग इसे बटन कट टायर कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिटरली मैप बना रहे हैं। सो दोस्तों आप फॉरेन कंट्रीज में भी टायर सेकेंड हैंड टायर बेचते हैं, सेकेंड हैंड टायर लेना ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन सेकेंड हैंड टायर आप किससे ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ये सब चीज का नॉलेज होना काफी जरूरी होता है। यूके यूएसए में दोस्तों ये डेवलप कंट्रीज है, वहां पे लाइसेंस दिया जाता है सेकेंड हैंड टायर बेचने का, और वहां पे जब भी आप सेकेंड हैंड टायर खरीदने जाते हो वो टायर पे लिटरली एम्बॉस किया हुआ रहता है कि दीज आर पार्टली यूज टायर्स, उसके ऊपर स्टिकर्स लगाए होते हैं, और वो बंदे को मेक श्योर करना होता है कि ये जो टायर है ये सेफ है आपके रोड के लिए। वैसा कोई भी रेगुलेशन हमारे इंडिया में नहीं है, रीग्रूविंग जिसे बोलते हैं वो इल्लीगल है, हर कंट्री में इल्लीगल है। तो काफ़ी ट्रैफिक ऑफिशियल्स है जिनको भी टायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसा आप अगर यूके यूएस में जाते हो वहाँ पे फिटनेस ये मैंडेटरी होता है हर साल प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं है गाड़ियों को इंस्पेक्ट कर सके कि वो गाड़ियाँ सही में रोडवर्दी है या नहीं, इस चीज़ का कोई रेगुलेटरी नहीं है दोस्तों। सो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का कभी एजेंडा ही नहीं था, गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस चीज़ से वोट ही नहीं मिल रहा है। आप दोस्तों देख सकते हो कि टूरिस्ट गाड़ियाँ जो है वो हमेशा जाती है सेफ्टी चेक्स के लिए, सेफ्टी चेक्स मतलब जिसे फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, टूरिस्ट गाड़ियों में ये मैंडेटरी होता है। लेकिन आप टूरिस्ट गाड़ियों के जाके कंडीशन देखिए, उनके टायरों की कंडीशन देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो ट्रैफिक ऑफिशियल्स है उनको ही इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि कौन से रीग्रूव्ड टायर्स है, टायर का डेप्थ कितना होना चाहिए, मिनिमम लीगल लिमिट टायर का डेप का गेज का क्या होता है, इस चीज़ का किसी को नॉलेज नहीं है। सो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इस नॉलेज से उनको अपडेटेड करवाना जरूरी है, क्योंकि जो दोस्तों आज के सिचुएशन में गाड़ियाँ इतनी बढ़ रही है, इतनी पावरफुल इंजन वाली गाड़ियाँ आ रही है, अगर उसमें ये टाइप के टायर जा रहे हैं सो कहीं ना कहीं सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इमेजिन कीजिए आप कौन सा टायर खरीद रहे हैं, उस टायर के बारे में आप लेमैन हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। सो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सेकेंड हैंड टायर मत खरीदिए, क्योंकि कॉस्ट वाइज जो बात करेंगे वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप देखेंगे कि उसके अंदर आप पैसे नहीं बचा रहे हो। दोस्तों मैं एग्जांपल में एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लेता हूं जो काफी ज्यादा बिकी है इंडिया में। दोस्तों अगर आप स्विफ्ट डिजायर का टायर सस्ते में सस्ता टायर कोई भी इंडियन कंपनी का आप लेने जाते हो तो आपको 2500 से 2800 के बीच में वो टायर मिलता है। आप सेकेंड हैंड टायर कितने का खरीदते हो, कम से कम आप 800 से 500 से 1000 रुपए उस टायर के लिए देते हो। मान लो अगर आपकी गाड़ी 40,000 किलोमीटर चलती है उसके लिए आप 3,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, और आप सेकेंड हैंड टायर पे 500 से 1000 रुपए खर्चा कर रहे हो और आपको पता ही नहीं उसका कितना लाइफ है। मैक्सिमम 500-1000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर भी अगर आपको लाइफ मिलती है तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कौन सा टायर सस्ता पड़ा। और आप जब सेकेंड हैंड टायर खरीदते हो तो उसका इतना हार्ड होता है वो टायर, वो आपके सस्पेंशन को डैमेज कर रहा है, वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कॉस्ट उसमें भी जाने वाला है। सो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेकेंड हैंड टायर है वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सेफ्टी नहीं है,
उसके अंदर कोई गारंटी नहीं है, कोई वारंटी नहीं है। सो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, आप जब भी टायर डालते हैं ये हमेशा नए टायर डालिए, कोई भी एक इंडियन कंपनी लीजिए, ISI मार्किंग होना जरूरी होता है।